उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग काम कर रहे थे बनारस, तो जीते जो योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो रात के 8 बजे था, तो जगत प्रकाश नड्डा हम लोग सफर लौट के आए, तो उन्होंने कहा चलो चाट खाया जाए, तो जाके बैठ गए चाट खाने। बनारस आप तो गए होंगे, छोटी सी चाट की दुकान होती है, छोटी सी कुर्सी होती है, लेकिन चाट बहुत स्वादिष्ट होता है, तो बैठ के खा रहे थे। अब इनके कारण मेरा चेहरा देश पहचानता है टीवी और मिलता है, तो लोग आए फोटो खिंचा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, और आस्ते आस्ते बड़ी खबर बन गई। फिर निजी उतरे तो बहुत लोग खड़े थे, चाट हो रहा था, उसने कहा सर भोजपुरी मेरी भाषा का सहार, सर हमारे ससुराल पटना में हो तो पैसा ले लेंगे आपसे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है भाई, हमने अपना चाट खिलाया। तो दूसरे दिन नड्डा जी कचौड़ी जलेबी खाई जाए, मुझे भी बाहर निकलना, आपको भी निकलना, हाँ ये मजा आ गया। तो पता नहीं कहीं से लीक हो गया मीडिया, तो हम लोग जब पहुंचे फुटपाथ पर कचौड़ी जलेबी खा रहे, 10 कैमरा बैठ के लाइव करने के लिए बैठे हुए थे, तो हम लोग जाके 8-10 लोग बैठ गए, जलेबी भी खाया कचौड़ी भी खाया। फिर दर्द आया, आपको मालूम ही है कि 403 सीट में हमें 325 सीट मिली, 3/4 बहुमत। तो रिजल्ट निकलने के 8-10 दिन बाद मैं मोदी जी से मिलने गया कुछ सरकारी काम के कारण। तो जब सरकारी बातचीत हो गई, तो फिर एक आई बोले तुम जलेबी खा रहे थे फुटपाथ, तो मैंने लगा कोई जान पड़ेगी क्या, तुमने बताया फिर हमें कहा बिल्कुल खाया करो, जनता से जुटे रहा करो, और अगर सिक्योरिटी वाला हमें परमिट करेगा तो मैं भी फुटपाथ पर बैठे जलेबी खाया करूंगा, ये मेरी अपेक्षा। और आपने देखा होगा कि वो शिमला गए थे, संगठन में वो प्रभारी थे हिमाचल प्रदेश के, तो जो लोग आपको शिमला के मॉल पर गए उसके बगल में कॉफी हाउस, तो भाषण देखने उतरे, एक गाड़ी रुकी, हिंदी तो मैनेजर का एक कप कॉफी पिलाओ, और उन्हें 1 घंटा कॉफी। फ्रेंड दिस इज ए न्यू थर्स्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। मोदी जी के साथ काम करना, जितनी मेहनत करते हैं तो बहुत आनंद आता है। काम वो दावोस गए थे, वहां 11 प्रोग्राम थे, रात के 11 बजे तक टीवी पर हम देख रहे थे, सुबह 9 बजे खबर आई कि 10 बजे से कैबिनेट मीटिंग है। मैंने वो तो स्विट्जरलैंड में, रात में वो पहुंच गए प्लेन में सोते हुए, रात का कैबिनेट बुलाओ। जब इस तरह से हम काम करते हैं तो देश बदलता है। आज भारत दुनिया की 6th सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2014 में वो 11th था।